गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट टाइम पे हमने 3A एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 3 का जो 3A एक्सरसाइज था उसको कंप्लीट किया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3B। ठीक है, आज हम 3B को स्टार्ट कर रहे हैं। सो 3B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिलअप्स दे रखी हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द अटेंडेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी एडियंट्स हैं, जो भी जिनको जिन भी नंबर्स को आपको ऐड करना है, उन नंबर्स को आपको एक बार रिवर्स करके, एक बार आप सिंपल ऐड करेंगे एंड देन फिर उसको रिवर्स करके हम देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी ये चीज़ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 16509 प्लस 114। क्लियर, सो सबसे पहले इनिशियली हम क्या करेंगे, इसको सिंपल प्लस करके देखते हैं। 16509, ठीक है, प्लस 11114 कितना होता है बच्चों, तो यहाँ आप देख लीजिए, रफ में एक बार करके देख लीजिए, प्लस 16509, यहाँ देखिए 16509 प्लस 114, 9 प्लस 4 13, 3, 1, 1 प्लस 1, 2, 5 प्लस 1, 6, 6 एंड 1। क्लियर है, तो 16509 में अगर मैं 114 को ऐड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 16623। ओके, सो अब हम सेकंड क्या करेंगे, अब हम इसको रिवर्स करके, रिवर्स मींस सपोज़ ये मेरा ए था, ठीक है, सपोज़ ये मेरा ए है और ये मेरा बी था, तो ए प्लस बी को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 16623। ठीक है, अब मुझे रिवर्स कर देना, रिवर्स मींस मुझे अब बी प्लस ए करके चेक करना है कि क्या ये आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो बी प्लस ए को चेक करेंगे, दैट मींस ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडियंट्स, दैट मीन्स 114 प्लस 16509, इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब मैंने 16509 में 114 को मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आ रहा था 16623। ठीक है, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं एंड 114 प्लस 16509 करूं तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लाइक 114 में मुझे प्लस करना है 90561 को। क्लियर, सो 4 प्लस 9 13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, देन अगेन 5 प्लस 1 6, 6 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेम आंसर आ रहा है 16623। ओके, सो हमने यहाँ पे दोनों तरीके से ऐड कर लिया, हमने इनिशियली सबसे पहले हमने सिंपल ऐड किया, हमें 16509 में 114 को ऐड करना था, जैसे ही ऐड किया हमारे पास आंसर क्या आया, 16623। ओके, अब हमने क्या किया, हमने नंबर्स को रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स पहले ए प्लस बी था, अब मैंने बी प्लस ए कर दिया, तो जैसे ही मैंने बी प्लस ए किया, मतलब 114 में मैंने 16509 को ऐड किया तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है, लाइक। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसी का सेम, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2359 प्लस 548। क्लियर, देखिए क्या करेंगे आप, पहले आप सिंपल ऐड करेंगे, 2359 प्लस
5, 4, 8. यहाँ रफ में आप प्लस करके देख लीजिए क्या आएगा. 2, 3, 5, 9 प्लस 5, 4, 8. प्लस करेंगे 9 प्लस 8, 17 का 7, 1. ठीक है. 5 प्लस 4, 9. 9 प्लस 1, 10. 10 का 0, 1. 5 प्लस 6. 5 प्लस 1, 6. ठीक है. 6 एंड प्लस 3. 6 प्लस 3, 9. एंड देन 2. क्लियर है. सो 2, 3, 5, 9 में अगर मैं 5, 4, 8 को प्लस कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है. 2, 9, 0, 7. ओके. अब मुझे क्या करना है. बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडियंट्स मुझे 5, 4, 8 में 2, 3. यहाँ देखिए बेटा, तो ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ, हमने पहले क्या किया, 2, 3, 5, 9 प्लस 5, 4, 8 को प्लस किया, आंसर क्या आ रहा था, 2, 9, 0, 7. ठीक है. अब हमने इसको रिवर्स कर दिया. रिवर्स मीन्स हम बी को लेकर आगे पहले और ए को बाद में. ठीक है, लिख दिया हमने. तो यहाँ 5, 4, 8 प्लस 2, 3, 5, 9. ठीक है, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 2, 9, 0, 7 ही आएगा. यहाँ आप करके देख लीजिए, 5, 4, 8 प्लस, आपको प्लस करना है 2, 3, 5, 9. ओके. सो 8 प्लस 9, 17 का 7, 1. 5 प्लस 4 प्लस 1. ठीक है. 5 प्लस 1, 6. 6 प्लस 4, 10. 10 का 0 एंड 1 कैरी. ठीक है. 5 प्लस 1, 6. 6 प्लस 3, 9 एंड 2. ठीक है. तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2, 3, 0, 7. तो दैट मीन्स 2, 3, 5, 9 प्लस 5, 4, 8 इज इक्वल टू 5, 4, 8 प्लस 2, 3, 5, 9. ओके. सो द थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए. फाइंड द सम ऑफ, आपको सम करना है इसका. 1, 5, 4, 6 प्लस 4, 9, 8 ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस 3, 5, 8, 9. ओके. एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 1, 5, 4, 6 प्लस ब्रैकेट 4, 9, 8 प्लस 3, 5, 8, 9. ओके. इन दोनों का आपको सेपरेट सम करना है. फिर क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, आर द टू सम्स इक्वल, क्या ये दोनों सम्स इक्वल होंगे, क्या इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या इक्वल आएगा. एंड स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है ये बताना है. ओके. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका सम किया, फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट कंडीशन है इस पे यहाँ पे इनका सम करेंगे. 1, 5, 4, 6 1546 प्लस 498. ठीक है. इन दोनों को सम कर लो, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं रफ में एक बार. 1546 प्लस 498. ठीक है. इन दोनों को प्लस कीजिए. 8 प्लस 6 कितने होते हैं बेटा, 8 प्लस 6, यहाँ पर 8 प्लस 6 14 का 4, 1. ठीक है. 9 प्लस 1, 10. 10 प्लस 4, 14. 4, 1 कैरी. ठीक है. 5, 5 प्लस 1, 6. 6 प्लस 4, 10, 0. 1 कैरी. 1 प्लस 1, 2. ठीक है. तो सम क्या आ रहा है, 2, 0, 4, 4 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे. ठीक है. देन उसमें आप सम कर लीजिए ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का, दैट इज 3, 5, 8, 9. ठीक है. तो इनमें आप वापस से सम कर दीजिए यहाँ पे 3, 5, 8, 9. क्लियर. यहाँ सम कीजिए, देखिए क्या आता है. 5, 9 प्लस 4, 13. 13 का 3, 1 कैरी. ठीक है. 4 प्लस 1, 5. 5 प्लस 8, 13. 13 का 3, 1 कैरी. 5 प्लस 1, 6 एंड 2 प्लस 3, 5. 5, 6, 3, 3. क्लियर है, यही आ रहा है 5, 6, 3, 3. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले का सम करेंगे. ठीक है. दैट इज़ पहले आप 1546 प्लस ब्रैकेट 498 प्लस 3, 5, 8, 9. क्लियर है. तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ आप प्लस करेंगे 498 में आप प्लस करेंगे 3,589. ठीक है. इनको सम करते हैं एक बार क्या आता है. 8 प्लस 9, 17 का 7, 1 कैरी.
8 प्लस 9 17, 17 प्लस 1 18, 18 का 8, 1 का 18 का 8, 1 कैरी, ठीक है। यहाँ पे है 4, 4 प्लस 5, ठीक है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 0, 1 कैरी, 4 प्लस 3 प्लस 1 4, ठीक है, 4 0 8 7, इसमें आपको सम कर देना है बाहर वाले को 1546 को, ठीक है। तो इसमें आप यहीं पे सम करके देख लीजिए 1546 को, जैसे ही सम करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 13 का 3, 1 कैरी, ठीक है, 8 प्लस 1 9, ठीक है, एंड 9 प्लस 3 13 का 3, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 एंड 4 प्लस 1 5, ठीक है, तो 5 6 3 3, दोनों के सम सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो बिल्कुल आर द टू सम्स आर इक्वल, आंसर क्या आएगा बेटा, यस बिल्कुल सम इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है, तो दिख रहा है यहाँ पे तीन नंबर है ए बी सी, ठीक है, और तीनों नंबर को हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमें दो नंबर्स को पहले ऐड कर लेना था एंड देन उसका जो सम आता है उसमें हम थर्ड नंबर को ऐड कर लेंगे, बस यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, ओके।